हम अपना टास्क करते रहेंगे माहौल देखकर। अगर माहौल बिगड़ता रहेगा तो हमें कार्रवाई करते रहनी पड़ेगी। भारतीय थल सेना के जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर पाकिस्तान और कश्मीर के आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर माहौल बिगाड़ा गया तो वो पाकिस्तान के खिलाफ फिर से बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों पर कार्रवाई के लिए सेना का प्लान तैयार है। भविष्य में भी ऐसे एक्शन होंगे, माहौल बिगड़ा तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लक्ष्य तय होने के बाद ही सेना एक्शन लेती है। चुनावी माहौल का सेना की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं म्यांमार के साथ आतंकी ठिकानों को नष्ट किए जाने पर भी उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होगा, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सेनाध्यक्ष ने कहा कि म्यांमार आर्मी के साथ संयुक्त ऑपरेशन करने का उद्देश्य अपनी जमीन का बाहरी लोगों के गलत इस्तेमाल से रोकना है। कितने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि भारत और म्यांमार आर्मी मिलकर आतंक का सफाया करेंगे। हाँ, ये कामयाब और नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। It's an exercise which has been conducted by the Indian Army, with co-chair being the Myanmar Army, and therefore I have here with me Major General So Win, who is the DGMS of the Myanmar Army. म्यांमार और भारत ने हाल ही में आतंकी ठिकानों का सफाया करने के लिए कार्रवाई की है। लश्कर सहित कई आतंकी ठिकानों पर एक्शन को लेकर प्लान तैयार है और आर्मी फ्री हैंड। एयर स्ट्राइक के बाद हालातों से निपटने में हमारी सेना सक्षम है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से आए दिन हो रही गोलीबारी पर जनरल रावत ने कहा कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सेना तैयार है, सक्षम है। किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले सेना विचार करती है, उस पर पॉलिटिकल निर्णय होता है, उसके ऊपर सेनाएं अमल करती हैं। जो भी कार्रवाई होगी वो पॉलिटिकल निर्णय पर की जाएगी। हर एक आर्मी को समय समय पर आधुनिक और अपग्रेड होने की जरूरत होती है।